तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 के खिलाफ प्रस्ताव पारित होते ही मोदी सरकार को लगा झटका। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने दो लोगों को मारी गोली, मोदी सरकार की उड़ी नींद। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देने को लेकर रामगिरी महाराज पर भड़के ओवैसी ब्रदर्स, बोले पुलिस वाले करें इसको गिरफ्तार वरना करेंगे देश में प्रदर्शन। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर हिजबुल्ला चीफ नई कासिम ने दिखाई आका, हमें नहीं पड़ता फर्क, हम इसराइल से लेंगे टक्कर। ब्रेन में सूजन, आंखों से कम दिखना, बिगड़ी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की हालत, कांग्रेस को दी चेतावनी, बोली जिंदा रही तो कर दूंगी बर्बाद, कांग्रेस के राज में मेरी जमकर हुई थी जेल में पिटाई। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का राज ठाकरे ने किया ऐलान, तो विरोध में उतरे मोदी के मंत्री रामदास आठवाले, बोले किसी भी कीमत पर मस्जिदों से नहीं हटने देंगे लाउड स्पीकर। इसराइल के लिए खतरा बना इसराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू, सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, अब इसराइल की जनता को नेतन्याहू पर नहीं रहा भरोसा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार को लगा एक और झटका, आतंकवादियों ने दो लोगों को मारी गोली, मौके पर मौत। जय दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने के बाद मोदी सरकार को बड़ा झटका फिर से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने फिर से एक हमला कर दिया है। गुरुवार को आतंकवादियों ने किश्तवाड़ के कुंतवाड़ा इलाके में ग्राम रक्षक समूह के दो सदस्यों को गोली मार दी। दोनों मवेशियों को चराने के लिए जंगल में गए हुए थे और इनके पास हथियार नहीं थे। आतंकवादियों की गोली का शिकार हुए एक BDG का नाम नाजिर अहमद है, जबकि दूसरे का नाम कुलदीप कुमार है। आतंकवादियों ने दोनों की आंखों पर पट्टी बांधी और गोली मार दी। ठीक इसी तरह ISI के आतंकवादी भी लोगों को मारते हैं। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। लोग कहने लगे हैं कि मोदी की सरकार बनने के बाद भी और जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में आतंक खत्म नहीं हो रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्ति बयान देने वाले रामगिरी महाराज पर भड़के ओवैसी ब्रदर्स, पुलिस से गिरफ्तारी की मांग की। जदोसा आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार चरम पर है, राजनीतिक दलों के नेता जोर शोर से चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं। इस बीच आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने मालेगांव में एक सभा को संबोधित किया। ओवैसी ने इस सभा में बिना नाम लिए पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक बयान देने के आरोपी रामगिरी महाराज को गिरफ्तार करने की मांग की। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वालों को फौरन गिरफ्तार किया जाए, जेल में डाला जाए। हमें यकीन है कि मुल्क का कानून जरूर रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वालों को पकड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे यकीन है कि जिस तरह से इन सच्चे बहादुर पुलिस वालों ने मुझे नोटिस भेजा है कि यहाँ के माहौल को नहीं खराब करेंगे, उसी तरह से ये सच्चे बहादुर और जबा मर्द पुलिस वाले अपनी ड्यूटी करेंगे और उस गुस्ताख को भी पकड़ कर लेकर आएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर बोले हिजबुल्ला चीफ नईम कासिम, हमें नहीं पड़ता फर्क, अब होगा अमेरिका का पतन। जय दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने धमाकेदार जीत हासिल की है। वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर अब हिजबुल्ला चीफ नईम कासिम ने बड़ा बयान दिया है। हिजबुल्ला चीफ नईम कासिम ने डोनाल्ड ट्रंप को खुला चैलेंज किया है। नईम कासिम ने कहा है कि अमेरिकी चुनाव की हिजबुल्ला के लिए कोई कीमत नहीं है, हम दुश्मन यानी इसराइल को उसकी आक्रामकता को खत्म करने की मांग करने पर मजबूर कर देंगे। एक वक्त आएगा जब इसराइल कहेगा कि हम अब सक्षम नहीं है, हम इसराइल को एहसास दिलवाएंगे कि वो युद्ध में हार रहा है और ये हार इसराइल को उसका लक्ष्य हासिल करने से रोक देगा। वहीं आपको बता दें कि अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद हिजबुल्ला पर अमरीका बड़ी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन हिजबुल्ला चीफ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से हमें कोई फर्क नहीं
पड़ेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की सरकार बनने पर मस्जिद से हटाए जाएंगे लाउड स्पीकर, राज ठाकरे ने किया ऐलान। यह दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में अब मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाने और हटाने को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने ऐलान किया है कि जब वो सरकार में वापस आएंगे तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिया जाएगा। उनके इस वादे पर केंद्रीय मंत्री और मोदी के करीबी रामदास आठवले ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ये बार बार ऐसे बयान ही देते हैं, वो मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटा सकते। उन्होंने राज ठाकरे की सत्ता में वापसी को लेकर कहा कि वो सत्ता में नहीं आ सकते, इसलिए वो किसी भी कोशिश कर ले, कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटा सकते। इससे पहले भी उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान दिए थे। अब राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की बात कही है। अब देखते हैं कि बीजेपी सरकार उनकी मांग पर कार्रवाई करती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदू संगठनों ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की दी बधाई, सोशल मीडिया पर मीम्स की आई बाढ़। जो दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर देश के प्रमुख हिंदूवादी संगठनों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। साथ ही उम्मीद जताई है कि उनके कार्यकाल में न सिर्फ अमरीका बल्कि बांग्लादेश और कनाडा समेत अन्य देशों में हिंदुओं का उत्पीड़न रुकेगा। चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर सख्त रुख दिखाया था। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने ट्रंप को बधाई देते हुए याद दिलाया है कि उन्होंने चुनाव के दौरान कहा था कि वह कहीं भी हिंदुओं पर होने वाले हमलों को रोकेंगे और पूरी दुनिया में शांति लेकर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद अब मीम्स की भी बाढ़ आ गई है। लोग हिंदूवादी संगठनों की जमकर मजाक भी बना रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इसराइल के लिए खतरा बना इसराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू। सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, अब कभी भी हटाए जा सकते हैं कुर्सी से। जदोसो आपको बता दें कि इसराइल पिछले एक साल से पूरी दुनिया की नजरों में है, क्योंकि इसराइल ने हमास, हिजबुल्ला और यूतियों का खात्मा करने का संकल्प लिया है, लेकिन वो अभी तक इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया है। इसी मामले के बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर इसराइल की सेना पिछले एक साल से तीन देशों फिलिस्तीन, लेबनान और ईरान पर हमला कर रही है। हालांकि हूती विद्रोही यमन में है, लेकिन ईरान पर मदद करने के कारण उन पर अभी तक हमला नहीं हुआ है। अब हाल ही में हुए सर्वे में एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन और हिजबुल्ला से जंग हारने के कारण इसराइल के रक्षा मंत्री को पद से हटा दिया और नया रक्षा मंत्री बना दिया। वहीं आपको बता दें कि अब एक और जानकारी सामने आई है कि इसराइल में अब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध होने लगा है। एक चैनल ने सर्वे कराया है तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस सर्वे में सबसे अहम खुलासा ये हुआ है कि लोग बेंजामिन नेतन्याहू को अब इसराइल के लिए खतरा मानने लगे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इसराइल के प्रधानमंत्री पर अब भरोसा इसराइल की जनता को नहीं है और वो इससे छुटकारा पाना चाहती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर की तबीयत खराब, कभी भी हो सकती है मौत। जो दोस्तों आपको बता दें कि भोपाल से बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की इस समय तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। दरअसल आपको बता दें कि उनका ब्रेन सूज गया है और उनके होंठ गाल भी सूजे हुए हैं, बुरी तरीके से वो परेशान है। वही खबर ये भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है कि कभी भी उनकी मौत हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपनी इसी हालत पर कांग्रेस पार्टी को कोसा है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और मुझे आतंकवादी हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, तब मेरी पुलिस ने इतनी मार लगाई थी कि मेरा पूरा शरीर खराब हो गया। वहीं आपको बता दें कि उनके ब्रेन में सूजन हो गई है, आंखों से उन्हें दिख भी कम रहा है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर मैं जिंदा रही तो कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल बर्बाद कर जाऊंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर कभी भी ऊपर वाले को प्यारी हो सकती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इसराइल के लिए खतरा बना इसराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू। सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, अब कभी भी हटाए जा सकते हैं कुर्सी से। जो दोस्तों आपको बता दें कि इसराइल पिछले
एक साल से पूरी दुनिया की नज़रों में है, क्योंकि इसराइल ने हमास, हिजबुल्ला और यूतियों का खात्मा करने का संकल्प लिया है, लेकिन वो अभी तक इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया है। इसी मामले के बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर इसराइल की सेना पिछले एक साल से तीन देशों फलस्तीन, लेबनान और ईरान पर हमला कर रही है। हालांकि हूती विद्रोही यमन में है, लेकिन ईरान पर मदद करने के कारण उन पर अभी तक हमला नहीं हुआ है। अब हाल ही में हुए सर्वे में एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन और हिजबुल्ला से जंग हारने के कारण इसराइल के रक्षा मंत्री को पद से हटा दिया और नया रक्षा मंत्री बना दिया। वहीं आपको बता दें कि अब एक और जानकारी सामने आई है कि इसराइल में अब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध होने लगा है। एक चैनल ने सर्वे कराया है तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस सर्वे में सबसे अहम खुलासा ये हुआ है कि लोग बेंजामिन नेतन्याहू को अब इसराइल के लिए खतरा मानने लगे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इसराइल के प्रधानमंत्री पर अब भरोसा इसराइल की जनता को नहीं है और वो इससे छुटकारा पाना चाहती है।